पाकिस्तान और भारत के लिए याद रखिएगा, एक ही मां के दो बेटे हैं, बट करवट बदल के लेटे हैं। बराबर, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर हम खेलेंगे, हमारी जज्बात लड़ाई के रहेंगे अच्छे से, नैतिकता से। जो अच्छा खेलेगा हम उसके साथ हैं, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, मोहम्मद भाई शमी तुम्हारे साथ खड़े हैं। रेबल सदानंदपति आप लोगों के बीच कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे मेरे भाई। और तमाम लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, यार कभी खेलते नहीं हो क्या आप लोग? हैं, कभी खेलते नहीं है आप लोग? और कभी खेलते हैं तो हारते नहीं है? हैं, हार और जीत खेल का एक हिस्सा नहीं है क्या? तहलका मचा रखा है आप लोगों ने यार, इंडिया हार गया, इंडिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया। हैं, अपने देश के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का मनोबल हम ऐसे उतार देंगे क्या? एक मैच क्या हार गए, मौत आ गई हम लोगों की? है? भारत का सिर झुक गया हारने से? क्यों भाई, हार और जीत से हमारी इज्जत की बात है, ऐसा होगा? यह है भारतीयता की भावना। अरे अपने खिलाड़ियों का सम्मान कीजिए, विराट कोहली और उनके पूरे टीम को सम्मान कीजिए, हर खिलाड़ी का सम्मान कीजिए जो लोग खेल रहे मैदान में। अरे आउट हो गए, पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं गिरा, अरे तुम चले जाते खेलने के लिए भाई? है? एक मैच हम हार गए, हर पेपर में, वीडियो में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, बहुत ही बुरी बात है। अपने खिलाड़ियों का सम्मान कीजिए, भारत की अखंडता, हर अखंडता, हर प्रेम अपने खिलाड़ियों के साथ है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप जीवन में? अरे हमने मैच हारा है जिंदगी नहीं। अपने खिलाड़ियों का सम्मान कीजिए, उनके मां बाप, उनके पत्नी, उनके बच्चों के बारे में सोचिए। जब आपके गंदे कमेंट्स आप लोग लिखते हैं सोशल मीडिया में, उनके परिवार पे क्या बीतता है? एक मैच हारा है उन्होंने, जिंदगी नहीं हारी। हमने एक मैच हारा है, केवल एक मैच, और कोई ना कोई तो जीतेगा ना। आज पाकिस्तान कल हमसे बेहतर खेला, सिंपल, पाकिस्तान हमसे बेहतर खेला, इतनी सी बात है। उसके लिए कोहली को कप्तानी नहीं आता, कोहली को धोनी से सीखना चाहिए। अरे तुम सीख लेते भाई, तुम क्यों नहीं पहुंचे क्रिकेट टीम? ये जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से मुझे बहुत एलर्जी है, सख्त एलर्जी है। आप जानते हैं ग्राउंड पे उतर के खेलना क्या होता है? कभी खेला है मैदान में? अरे आप एक बार पब्लिक के सामने खड़े होइएगा, पैंड गिली हो जाती है लोगों की, इतने सारे जनता को देख के। अरे कितना बड़ा प्रेशर होता है। अरे भारत का नाम रोशन करते हैं हम, विश्व विजेता हैं, दो बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, क्या नहीं है हमारे पास? एक मैच क्या हारा पाकिस्तान में, ये हो गया वो हो गया, इधर फटाके छूट रहे हैं। और मेरी एक बात और, कश्मीर के कुछ खास लोगों के लिए, उन खास गधों के लिए, भैया थोड़ा शर्म कर लेना, जिन लोगों ने कल आतिशबाजी की है ना, थोड़ी शर्म कर लेना। ये सर से लेके पांव तक ना, हम लोग सब एक हैं, पूरा भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। और कुछ लोग तो ड्रामा करते हैं आजकल सोशल मीडिया में, आपको पता है ना, कश्मीर ने भी हमें कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। आतिशबाजी करते हैं आप, किस चीज की आतिशबाजी भाई? है अपने मुल्क, मेरी बात सुनिए, अपने लोगों का हौसला अफजाई कीजिए, अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाइए, अपने लोगों की निंदा मत कीजिए। एक मैच क्या हार गए, कोहली को ये नहीं आता, कोहली को वो नहीं आता, मोहम्मद शमी को खेलना नहीं आता। आप सिखाओगे मोहम्मद शमी को? हैं? आप सिखाओगे बॉलिंग करना मोहम्मद शमी को? अरे मुझे गर्व है कि मोहम्मद शमी हमारे इंडियन टीम के प्लेयर है, मुझे गर्व है कि मोहम्मद शमी एक भारतीय है, मुझे गर्व है विराट कोहली पे, मुझे गर्व है रोहित शर्मा पे, मुझे भारत के हर खिलाड़ी पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ एवरी इंडियन प्लेयर एंड आई एम प्राउड ऑफ इंडिया एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। अरे जो कर नहीं सकते ना, तो किसी के लिए नेगेटिव कमेंट मत करो, रिस्पेक्ट करो अपने देश के एक एक खिलाड़ी को। चुन चुन के इंडिया के टीम में जाते हैं, उनको कितना बुरा लगा होगा। अरे मैं तो सैल्यूट करूंगा विराट कोहली को, जब उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान के साथ फोटो उठाया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल की भावना, इसे कहते हैं खेल की भावना। आई लव यू कोहली, आई लव यू इंडियन टीम, विराट तुम बहुत अच्छे हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे छोटे भाई, हम साथ हैं तुम्हारे, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर हम खेलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, गद्दारों की कोई जाति नहीं होती, ना हिंदू ना मुसलमान, गद्दार केवल गद्दार होते हैं। मोहम्मद शमी के ऊपर मैं प्राउड फील करता हूं, शमी आई लव यू यार। और वैसे भी शमी के जो कोच हैं वो मेरे अच्छे मित्र हैं,
मैं जाता रहता हूं मुरादाबाद, आपको बता दूं पीयूष चावला के जो कोच थे वो भी मेरे अच्छे, सब एक ही हैं। मैं केवल एक बात बोलूंगा दोस्तों, भारतीय टीम को हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। अरे यार एक बात और, अंध भक्तों तुम्हारे लिए कुछ तो बोलना मत, ज्यादा शौक चढ़ रहा तो मोदी जी को क्रिकेट पैड पहना के उतार देते ना भाई, मना कर रखा था क्या किसी ने? अमित शाह के बेटे को उतार देते, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, है? बातें करते यार बड़ी बड़ी, ये नहीं है वो नहीं है, तुम ही चले जाते खेलने के लिए, करने का कुछ औकात नहीं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, औकात में रहो। हमें गर्व है, गर्व इंडियन क्रिकेट टीम पे हमें गर्व है। आपको याद होगा नेटवेस्ट ट्रॉफी, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, याद है? भूल गए? आपको याद है सौरभ गांगुली का जर्सी लहराना? याद है? भूले तो नहीं होंगे आप। इंग्लैंड, एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने इंडिया में आके क्या किया था, अपनी कमीज उतारी थी, तब युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने हमें नेटवेस्ट ट्रॉफी जिताई, तो सौरभ गांगुली ने अपना जर्सी घुमाया था लॉर्ड्स में, याद है? ये वही टीम है, ये वही देश है, ये वही खिलाड़ी है। अपने लोगों का मनोबल मत गिराओ, पहली बात। ये गर्व से बोलो कि विराट आप अच्छा खेले और बेहतर खेलो, शमी हम तुम्हारे साथ हैं, रोहित हम तुम्हारे साथ हैं, अरे हार्दिक, अरे आपको बोलना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। एक मैच हार गए तो क्रिटिसाइज, बहुत बढ़िया, आप लोग हमेशा फर्स्ट आते थे क्या, है? कभी फेल नहीं हुए, ज्यादा भाषणबाजी नहीं। हमें मालूम है हमारे खिलाड़ी जबरदस्त हैं, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत, समझे? Where there is a will, there is a way. Indians are always determined person. हम भारतीय हैं, हारे हैं तो फिर जीतेंगे, सबको हरा के दिखाएंगे। कमाल की बात करते हैं, एक मैच क्या हो गया, आफत मचा दी आप लोगों ने इंडिया के, और सुनिए पाकिस्तान कल अच्छा खेली, तारीफ कीजिए भाई, जो अच्छा खेलेगा तारीफ होनी चाहिए, ये खेल है, हार और जीत तो होगी। वी लव अवर टीम, वी लव अवर क्रिकेट प्लेयर्स, वी लव मोहम्मद शमी, वी लव विराट कोहली, हम बीसीसीआई के हर उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इंडियन टीम के साथ खड़ा है। दोस्तों वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, अगर कुछ कर नहीं सकते ना तो फालतू बकबक नहीं, पहली बात, फालतू बकबक नहीं। और जो लोग मोहम्मद शमी के बारे में फालतू बोल रहे हैं, बेशर्मो, तुम्हारी औकात क्या है मोहम्मद शमी के बारे में बात करना, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम जानते हो एक फास्ट बॉलर कैसे बनता है, कभी बॉल फेंका है 135 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, जब गुजरेगी ना हवा की तरह सन्नाटा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, यह है मोहम्मद शमी। अरे हमें गर्व है मोहम्मद शमी पे, हमें गर्व है विराट कोहली पे, हमें गर्व है हार्दिक पांड्या पे, रोहित शर्मा पे, अरे मुझे तो ब्लू जर्सी पे गर्व है, मुझे अपने टीम से प्यार है, मैं अपने भारत के खिलाड़ियों से बेहद प्यार करता हूं, हार जीत चलता रहेगा लेकिन अपने अपने होते हैं, अपनों का मनोबल बढ़ाओ, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, वी स्टैंड विथ इंडियन टीम, हम भारतीय टीम के साथ खड़े हैं, विराट तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, शमी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आपको हारने का गम होगा लेकिन आपने बड़ापन दिखाया, आपने अपना बड़ा दिल दिखाया मेरे भाई, आपने उनके प्लेयर्स को गले मिला के साबित किया कि हम इंडियंस, हम भारतीय सम्मान करते विजेता का, जो अच्छा खेलेगा हम उसके साथ हैं।